सब लोग? और मुझे लगता है आप सभी अच्छे होंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो था आयरन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो आईपी की वैल्यूज को प्रभावित करते हैं। तो उसका आवर्त सारणी में किस तरह से आईपी चेंज होती है ये हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये है आपकी क्लास 11th का पीरियडिक टेबल का टॉपिक है, आवर्त सारणी में आईपी की आवर्तता किस तरह से होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करके चले, हमारा जो सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और इसी तरह से थर्ड पीरियड में आपके एलिमेंट आ जाएंगे, थर्ड पीरियड वाले NaMgAlSi इस तरह से आ जाएंगे। और यदि हम इसके फर्स्ट ग्रुप की बात करके चलें, फर्स्ट ए ग्रुप, तो इसमें जो आने वाले एलिमेंट हैं वो होंगे NaLi, NaK, RB और CS, यहाँ तक के हम एलिमेंट लेते हैं। और इसके बाद आता है FR। अब जैसा कि आपको पता है, अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लिथियम से फ्लोरीन या नियॉन की तरफ जाते हैं, तो इधर से इधर की तरफ जेड इफेक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो उसकी एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगी, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आईपी का जो वैल्यू है, आईपी इसमें क्या हो जाएगी, में वृद्धि हो जाती है, यानी कि आईपी का वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से लेफ्ट से राइट में जाते हैं तब ऐसा होता है। और अगर अपन ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, तो इनका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज होता है। और जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो इनका जो आईपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर आईपी का वैल्यू घटेगा, और जबकि लेफ्ट से राइट में जाने पर आईपी का वैल्यू बढ़ता है। ये कैजुअल बात है, और क्योंकि हमें ये पता है कि एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी के, यानी आईपी अगर एटॉमिक रेडियस घटेगा तो आईपी बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है, और प्रॉब्लम होता है यहाँ पर बीई और बी के साथ। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पर आता है, बीई और बी के साथ आता है। तो रूल्स ये कहता है कि बी का आईपी बीई से होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लेकिन होता है यहाँ पर उल्टा। यहाँ पर बीई का आईपी हो जाता है अधिक और बी का आईपी हो जाता है कम। इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S2 और इसका होता है P1, और जिसकी वजह से BE का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से, यानी भेदन प्रभाव ज़्यादा हो जाने की वजह से, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसका मतलब है इसका आईपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बीई का जो आईपी होता है वो बोरोन से अधिक होता है। इसी तरह का प्रॉब्लम आगे चल करके अराइज होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ऐसा इसलिए अराइज होता है, अब क्योंकि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है P3 और ऑक्सीजन का है P4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में एक पोजीशन आती है, हाफ फिल्ड पोजीशन आती है, हाफ फिल्ड पोजीशन आती है, यानी कि अर्धपूरित अवस्था आती है। और अर्धपूरित अवस्था की वजह से नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाता है, इसका जो एक्सचेंज एनर्जी है इसका वैल्यू हो जाएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से इसका आईपी हो जाता है अधिक हो जाता है।
ठीक है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होता है, और इसका रीज़न भी यही है। यहाँ तो हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का रीज़न है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है या इसका जो रीज़न है वो है हमारा हाफ फिल्ड जो बैलेंसी शेल होता है वो, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो एलिमेंट आएगा एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई और सी यू जेड एन, ये हमारे डी ब्लॉक वाला एलिमेंट का पहला पीरियड है डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आईपी का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिससिमिलरिटी को लेकर है थोड़ा सा, और वो आता है यहाँ से यहाँ तक एक जोन बनता है, एक दूसरा जोन यहाँ बनेगा। इस जोन में होता क्या है, यहाँ स्कैंडियम से एमएन तक अगर हम यह बात करें तो यहाँ पर जेड इफेक्ट का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, ठीक है ना। शील्डिंग इफेक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो एटॉमिक जो रेडियस है इसका, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कैजुअली धीरे धीरे कम होगा, जिसकी वजह से आईपी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। और हम आपको बता ही चुके शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है कि जो एन माइनस वन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल्ड करेगा। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। उसका रीज़न ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं एन माइनस वन डी ऑर्बिटल में, यानी एन माइनस वन शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और जेड इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, लेकिन जेड इफेक्ट का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, तो आईपी की वैल्यू धीरे धीरे कैजुअली बढ़ती है। यहाँ पर जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं दोनों, जिसकी वजह से इनका जो रेडियस है, इनका जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल रहता है, और इसी वजह से इनका जो आईपी है उसका वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। अगर हम आगे बात करें कॉपर से जेडन के लिए, तो कॉपर से जेडन में एक छोटा सा चेंज ये होगा कि यहाँ पर जेड इफेक्ट का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, ठीक है, जिसकी वजह से साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और आईपी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इस तरह का जो फिनोमिनॉन्स है, इस तरह का जो यहाँ पर चेंज है वो डी ब्लॉक में शो होता है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो ब्लॉक होता है वो होता है 3D पीरियड्स में या 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होते हैं, उसके बाद इसके नीचे आएगा 4D, इसके बाद आएगा 5D, इसके बाद आएगा 6D। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4D और 5D की बात करें तो 4D में आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है इट्रियम, और 5D में इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर आएगा लेंथेनम, और इधर की तरफ आएगा फिर एलिमेंट जर्कोनियम, और इधर आएगा यहाँ पर एलिमेंट आता है आपका HF, ठीक है, HF आता है यहाँ पर, यानी कि हैफनियम। अगर हम यानी कि यहाँ हम कंपेरियन करेंगे ZR और HF के लिए, तो ZR और HF ऊपर से नीचे आ रहे, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ZR और HF, तो यहाँ पर इसका साइज इसका इंक्रीज हो रहा है, तो इसका IP घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इन दोनों का IP अप्रोक्सीमेट हो जाता है
जेड आर का आई पी अप्रोक्सीमेट हो जाता है एच एफ के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है वाई और एल ए को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4D एलिमेंट है और 5D एलिमेंट है उनका जो आई पी है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। इसका रीज़न ये है कि जब 4D से 5D में आते हैं तो एल ए के बाद बीच में आते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट, है ना, और लेंथेनाइड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं N-2 ऑर्बिटल में, तो उनका शील्डिंग तो इतना होता नहीं है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, है ना, तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होता ही है। तो साइज जो है कैजुअली धीरे धीरे क्या होती है, घटती है, जिसकी और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड इफेक्ट बड़ा हुआ वहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो आई पी है उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो जाता है इक्वल किसके, इन दोनों का आई पी अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है। एक यहाँ पर छोटी सी बात और कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर से नीचे आने पर हम आई पी का वैल्यू कम हो रहा है, तो आई पी का वैल्यू कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? एक तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर नेचर, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटर नेचर इंक्रीज हो रहा है यानी इजीली इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से इनका जो रिडक्शन नेचर है, यानी कि इनका जो रिडक्टिव नेचर है, रिडक्टिव जो अपचायक इनका जो नेचर है, अपचायक जो प्रवृत्ति है, अपचायक प्रवृत्ति, वो यहाँ पर इनकी इंक्रीज हो जाती है। तो इनका गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो अपचायक होता है वो FR, अगर FR को कंसीडर कर रहे हैं तो FR, अदरवाइज हम CS को मानते हैं सबसे ज़्यादा जो अपचायक होता है। और ये लेकिन ये फंक्शन केवल गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि हम आईपी के लिए गैसियस स्टेट की बात करके चलते हैं, ठीक है। एफआर को हम कैजुअली काम में नहीं लेते हैं, उसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर जो एफआर होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसको अपन काम में नहीं लेते हैं। एक तो इसकी अपचायक जो नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो नेचर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है वो इंक्रीज होगा, और इसी के साथ साथ यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि धनात्मक आवेश आएगा, या और धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इनका जो मेटेलिक, और इसी की वजह से इनमें होता है मेटेलिक नेचर, तो इनका जो मेटेलिक नेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आईपी घटने से जो फर्क पड़ेगा वो एक तो ये होगा, इसकी अपचायक प्रवृत्ति इंक्रीज हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटर ये इजिली हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि विद्युत धनात्मक नेचर के ये हो जाएंगे, और इसके अलावा इनका जो मेटेलिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट अपन पीरियड में बात करेंगे, यहाँ से आईपी का वैल्यू क्या हो रहा है, आईपी का वैल्यू हो रहा है कम, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, और आईपी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इनका नॉन मेटेलिक नेचर यानी कि अधात्विक जो नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कम हो जाएगी, है ना। तो ये बजाय इसके रिडक्टिव नेचर के, यानी कि हम ये कह सकते हैं इनकी रिडक्टिव जो नेचर है वो घटेगी, और हम दूसरे परसेप्शन में ये बोल सकते हैं कि जब क्योंकि इनका जेड इफेक्ट इंक्रीज हो ही रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लेने का जो नेचर है वो इंक्रीज होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर इंक्रीज होगा तो इनका ऑक्सीडेटिव नेचर हो जाएगा, कौन सा, ऑक्सीडेटिव नेचर। तो कैजुअली आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो एलिमेंट हैं वो आपके ऑक्सीडेटिव नेचर के होते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रही होगी, और मुझे लगता है कि आज हम इस शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें, और मुझे बताएं कि इसमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी रही,
मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, धन्यवाद।